हाय दोस्तों, इस वीडियो में अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये अडानी रियल्टी किसी के मार्केटिंग के मोहताज नहीं, ऑलरेडी ये बहुत बड़ी कंपनी है और टोटल व्हाइट कॉलर कंपनी है। इनका ही प्रोजेक्ट है ये, अंधेरी वेस्ट में प्रॉपर लिंक रोड पे बना रहे हैं, जिसमें 1,00,000 स्क्वायर फुट का सिर्फ एंट्रेंस लॉबी है। ये आप कुछ वीडियोस के जरिए, मैं PDF के जरिए एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। ट्रिपल हाइट, अप्रॉक्सीमेटली 30 फुट की हाइट है इनकी एंट्रेंस लॉबी का। साथ ही साथ 4 स्विमिंग पूल लेके आ रहे हैं। अंधेरी के प्राइम लोकेशन RTO ऑफिस अंधेरी वेस्ट में काफी फेमस है और प्रॉपर मेट्रो स्टेशन के नीचे ही, यानी कि प्रॉपर लिंक रोड पे ही बना रहे हैं। यहाँ से तनिष्क जो डायमंड शोरूम है, साथ ही साथ इन्फिनिटी मॉल, ये सब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 3 से 4 मिनट 5 मिनट के। और बहुत सारी बातें मुझे बताना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस पूरे वीडियो में आप बने रहें। आइए मैं कुछ पहले झलकियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ इन डिटेल आपको बताऊँगा। अभी जो कुछ झलकियाँ मैंने आपको प्रॉपर्टी का दिखाया है, अडानी ग्रुप डेवलपर हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम है लिंक बे रेसिडेंसेस। आज इसी के पूरा डिटेल की बात करूंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चालन पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी पूरी आपको हेल्प करते हैं। होम लोन के रिलेटेड टॉपअप हो, बैलेंस ट्रांसफर हो, ये सब क्राइटेरिया के रिलेटेड भी अगर किसी प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हैं, आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम इस समस्या को आपको पूरी तरह से सुलझा के देगी। और कस्टमर के लिए हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। तो हम लोग क्या बल्क में प्रॉपर्टी लेते हैं उनसे सेल करने के लिए एक अच्छे प्राइस में, और वो जो प्राइस की बेनिफिट होती है वो हम डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं, जो भी हमारे चैनल के थ्रू आते हैं प्रॉपर्टी प्लाजा यूट्यूब चैनल के जरिए। अब इसमें और भी कैसे हम प्राइस करवा पाते हैं कम, इसका मैं आगे बताऊंगा। आइए इस प्रॉपर्टी को इन डिटेल समझते हैं कि कैसे क्या बना हुआ है, क्या एलिवेशन है, और देखते हैं वीडियो फोटो PDF के जरिए, उसके बाद फिर पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको 3 BHK शो करने जा रहा हूँ। अल्ट्रा लग्जरी 3 BHK 1522 स्क्वायर फुट का है, 1522 स्क्वायर फुट का अडानी रियल्टी का लिंक बे रेसिडेंसेस। आइए देखते हैं। यहाँ पे तो अभी इन्होंने 100 फ्लैट बनाया हुआ है, सारी चीजें फुल फर्निश्ड किया हुआ है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको मिलेगा और क्या आपको नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आपको ये भी बता दूं, किचन में प्लेटफॉर्म ये नहीं देंगे आपको, प्लेटफॉर्म आप अपने हिसाब से ही डिजाइन करना है, बाकी पूरा स्पेस टाइल्स फ्लोरिंग वगैरह आपको बना के देंगे। आइए देखते हैं। 3 BHK यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब यहाँ से आप आएंगे तो इधर आपको फोयर एरिया यानी सूर्य का स्पेस मिलेगा। इसमें दो डायरेक्शन में किया हुआ है, किसी का डोर यहाँ से है, किसी का डोर यहाँ से है। तो अब मैं आपको दोनों डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, एक मैं आपको रिटर्न में बता दूंगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, इस तरफ तो दिया हुआ है किचन, फिलहाल इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक बार डिजाइन किया हुआ है, साथ ही साथ छोटे मोटे ब्रेकफास्ट के लिए टेबल और प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है। बट ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया को पूरे आप यहाँ से लेके देखें तो L शेप में ये लिविंग एरिया आ जाता है। 1522 स्क्वायर फुट का फ्लैट है ये, और इसमें बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, नो वेस्टेज किया हुआ है। उसका एक दूसरा सोर्स ये है नो वेस्टेज का, कहीं पे भी देखें तो इस पूरे फ्लैट में पैसेज नहीं है, हॉल से ही सारा किचन बेडरूम कनेक्ट किया हुआ है, बालकनी, कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैसेज नहीं दिया हुआ है जिससे कि जगह वेस्ट हो। और पूरा जो पैसेज का एरिया है सारा उन्होंने बेडरूम में हॉल में एडजस्ट किया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया कारपेट का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। और डाइनिंग और किचन आप देखें सामने सामने ही है, यहाँ से आप डोर इस तरफ से निकाल सकते हैं या सामने से भी रख सकते हैं। और अब इसका बालकनी का एक्सपीरियंस क्या है वो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो हम अभी खड़े हैं, ये हॉल की लेंथ है, इस तरफ एक बेडरूम दिया हुआ है और इस तरफ एक बेडरूम दिया हुआ है, और एक बेडरूम ये आपको बैक साइड में दिया हुआ है। तीनों बेडरूम हॉल से ही कनेक्टेड है, और एक इस तरफ किचन दिया हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको।
ये इसका लिविंग एरिया है। स्पेस आपको ऐसे ही मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको रनिंग बालकनी, सिटिंग बालकनी मिलेगा। ये जो वेस्ट साइड का बालकनी है इसमें आपको सी फेसिंग मिलेगा, और जो ईस्ट साइड में है उसमें आपको माउंटेन व्यू या फिर सिटी व्यू मिलेगा। ये बालकनी को देखने के बाद अब अंदर चलते हैं। ये मैंने आपको लिविंग डाइनिंग दिखाया, इस तरफ डाइनिंग, ये अभी इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है उसके हिसाब से ये कुछ है नहीं, इसको आप निकाल भी सकते हैं या फिर अगर आपको डिज़ाइन रखना है तो रख सकते हैं। डेवलपर ने एक सो फ्लैट बना के आपको दिखाया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। डिपेंड आपको जब जगह मिलने के बाद आपके आर्किटेक्ट जो हैं, आपके जो इंजीनियर हैं, वो किस टाइप का डिज़ाइन करते हैं, क्या उनके दिमाग में है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं आपके लिए और अलग तरीके से बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्डर जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये इसका 3 BHK का PDF है, और ये इसका 2 BHK का PDF है, और ये इसका 4 BHK का PDF है। ये आप देख लें, ये PDF है, इसका प्लानिंग फ्लैट का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कभी कभी फुल फर्निश्ड फ्लैट रहता है ना तो प्लान समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैंने आपको PDF में भी दिखा दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ठीक से समझ लें कैसे क्या स्ट्रक्चर डेवलपर ने दिया हुआ है। और अब मैं आपको स्टार्टिंग का, अभी हमने यहाँ से एंट्री किया है और मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाते चलता हूँ कि क्या क्या दे रहे हैं। ये इसका पाउडर वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं, जो कॉमनली सबके लिए यूज़ के लिए है, जिसमें बेसिन कमोड दिया हुआ है। और इसमें 3 BHK की प्रॉपर्टी है जिसमें 4 वॉशरूम है, तीनों मास्टर बेडरूम आपको मिल रहा है। इवन सारे प्रॉपर्टी में जितने 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सारे मास्टर बेडरूम्स ही बनते हैं। तो इसमें 4 वॉशरूम आपको मिलेगा, 3 बेडरूम के साथ और 1 कॉमन। अब आइए, पहला राइट हैंड साइड से मैं बेडरूम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है वार्डरोब, और ये आपको प्रॉपर एक 12x12, अलग अलग साइज में कहीं 12x14, 12x12 का यहाँ पे बेडरूम बना के दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा किंग साइज बेड डालने के बावजूद भी एक अच्छा खासा आपको चारों साइड से 5 से 6 फुट का आपको स्पेस मिल रहा है यूटिलाइज करने का। और इस बेडरूम की जो साइज है 12.5x14 का, अप्रोक्सीमेटली 2-3 इंच आगे पीछे 12.5x14 का ये पूरा बेडरूम दिया हुआ है। यहाँ पे जो विंडो की क्वालिटी, हर एक में आपको साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो आपको हाई क्वालिटी बना के देंगे ये अडानी ग्रुप। वैसे भी कई कुछ का बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये A1 क्वालिटी ही काम करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अडानी का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो ये बना रहे हैं, जमीन से स्टार्ट किए हैं, पहले भी इन्होंने बनाया था तो वहाँ पे उन्होंने टेक ओवर किया था, बट ये इनका पहला प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक बना रहे हैं। इसको ये अपने हिसाब से पूरी आइडेंटिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे ये, जबकि इनकी एक अपने आप में खास पहचान होगी। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, एक बार देख लें क्या डिज़ाइन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शावर एरिया मिल रहा है जहाँ ग्लास डोर लगा के दे रहे हैं आपको। सेंटर में इसका अडानी ग्रुप है, तो आपको ब्रांड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड का सारे इसके ब्रांडेड प्लम्बिंग एसेसरीज रहेगा, बेसिन। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वार्डरोब का जगह, उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि वार्डरोब अगर यहाँ आ जाता है ना तो पूरा बेडरूम, आपको नीचे का एरिया पूरा फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र हो जाता है, जहाँ की एक आपको अच्छा लग्जरी फील आता है। अब चलते हैं इसका राइट हैंड साइड से दूसरा, किचन कैसा है। किचन का एक्सेस यहाँ से आपको ओपन दिया हुआ है, बट यहाँ पे सॉफ्ट वॉल आएगा, आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको बंद भी रख सकते हैं। ये किचन है इस तरफ, और इस तरफ मास्टर बेडरूम है, और ये किचन और मास्टर बेडरूम के बीच में ये एक वॉल स्पेस आ जाता है जहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं, कुछ अच्छा सीनरी वगैरह लगा सकते हैं। ब्यूटीफुल यहाँ पे शो आ रहा है इसका, इस जगह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या मंदिर के लिए ही सबसे बेस्ट जगह है, बिकॉज एक तरफ किचन आ रहा है, एक तरफ बेडरूम आ रहा है। मेन एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा। अब आप किचन में आ जाएं। अभी देखिए, किचन में ये प्लेटफॉर्म आपको जो देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, आप अपने दिशा दशा वास्तु के हिसाब से
प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो जनरली लोग कोई भी डेवलपर का बनाया हुआ फॉलो नहीं करता, वो अपने हिसाब से इंटीरियर कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। इसमें प्लेटफॉर्म ये नहीं देंगे, तो प्लेटफॉर्म के लिए कैसे क्या है, एक बार डेवलपर से हम जब आप परचेस करेंगे तब हम बात कर सकते हैं। दूसरा, इस किचन के साथ आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है, ये देखें 8.5x5.5 यानी कि 8.6x5.2 का एक्स्ट्रा एक स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आपको बर्तन धोने का मशीन, कपड़ा धोने का मशीन, साथ ही साथ फ्रिज, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज, तीनों का स्पेस यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज अंदर किचन में भी रखना चाहें तो भी आप दो चीज़, डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे रख सकते हैं। कपड़े सुखाने का भी प्रोविज़न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको ओपन टू स्काई भी मिलेगा, तो कपड़े भी सुखा सकते हैं या अंदर भी आप सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको किचन दिखाया और ये सब हॉल को ही आप देखें कनेक्ट कर रहा है। और इसके बाद ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम में दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद हॉल के उस पार फिर तीसरा मास्टर बेडरूम है। आइए देखते हैं, जैसे आप दूसरे मास्टर बेडरूम में एंट्री करेंगे पहले ही आपको राइट हैंड साइड पे वॉशरूम दिया हुआ है जिसमें एक प्रॉपर साइज इन्होंने फॉलो किया है। लास्ट में दिया है शावर एरिया, बीच में कमोड और स्टार्ट में बेसिन दिया हुआ है। एक बार अंदर के साइड से भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या स्पेस कवर किया हुआ है इन्होंने। ये सब फुली फर्निश्ड तो आपको कोई भी डेवलपर नहीं देता है, एक बना के आइडिया ज़रूर दिया हुआ है, बट फ्लैट जो आपको मिलेगा वो रॉ फ्लैट ही मिलने वाला है। ये आप देखें आपको मिल रहा है 10x14 का बड़ा बेडरूम, ऐसा 10 फुट है और ऐसा 14 फुट है। मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ कि क्या चीज़ों में, ये बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रोजेक्ट है। इस तरफ आपको स्टडी टेबल मिल रहा है, साइड टेबल रखा हुआ है। एक बार मैं विंडो के साइड से भी आपको कवर करके दिखाता हूँ। सारी जो विंडोज रहेगा इसमें फुल साइज फ्रेंच विंडो है और बीच में प्रोटेक्शन भी आपको ऐसे ही मिलेगा, और सारा सी फेसिंग भी है और सिटी फेसिंग भी है। ये भी सब आपको साउंड प्रूफ वाटर प्रूफ विंडो के साथ में ही हैंडओवर होगा ये फ्लैट्स। दूसरा, विंडो के साइड से देखें तो ये 14 फुट की सी लेंथ है, और वार्डरोब बनाने के बाद, किंग साइज बेड रखने के बाद भी आप देखें करीबन 6 से 7 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है यूटिलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए। एक बहुत ही बड़ा बढ़िया फीलिंग आएगा यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि ऑनर के लिए, हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए ये सबसे बड़ा वाला बेडरूम है। इसके बाद आइए, इसके बाद फिर से आ गए हम लोग हॉल में, और ये हॉल को क्रॉस करने के बाद यानी लिविंग डाइनिंग को क्रॉस करने के बाद ये आ जाते हैं हम थर्ड मास्टर बेडरूम में। थर्ड मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट ये है कि सामने ही आपको पहला बेडरूम में एंटर करते ही पहला वॉशरूम आ रहा है, सामने बेसिन कमोड, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है शावर एरिया। और ये बेडरूम भी आपको 12x14 का है, ये देखें ये 12x14 का बेडरूम है, ये भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम और हॉल, ये दोनों का बालकनी, रनिंग बालकनी है, यहाँ से आप दोनों को अंदर जा सकते हैं। दोनों के लिए भी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से बालकनी से मिल जाता है। ये जो वेस्ट साइड का बालकनी है इसमें आपको सी फेसिंग मिलेगा। अब मैं विंडो के साइड से एक बार बेडरूम को कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखें ये किंग साइज बेड है, ये स्टडी टेबल है, और यहाँ पे टीवी यूनिट है, साइड टेबल है, वार्डरोब है। ये सारा फर्नीचर करने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको स्पेस इसमें भी यूटिलाइज करने को मिल रहा है। 12x14 का ये बेडरूम है, तो एक अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस है और क्या फील आएगा इस बेडरूम में रहने के लिए। और एक बार मैं अंदर से बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। अभी आप देखें कि मैं फिर से आया हूँ हॉल में, इस तरफ आ गया डाइनिंग लिविंग, डाइनिंग लिविंग से जब आप इस तरफ आएंगे तो ये एक साइड डोर दिया हुआ है,
कुछ फ्लैट्स में डोर इस साइड दिया हुआ है, तो जब डोर आप यहाँ से ओपन करेंगे ना, तो इस साइड पूरा आपको फॉयर एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा हाइटेड वार्डरोब बना सकते हैं, नीचे सूरेक और ऊपर कुछ बेड वगैरह या क्लोथिंग्स के कुछ स्टोरेज करवा सकते हैं, या सर्वेंट के लिए कुछ कपड़े वगैरह रखवा सकते हैं। ऐसा प्रोविज़न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डोर अभी इस साइड है, इस साइड के डोर वाले फ्लैट में आपको सामने स्पेस मिलेगा, इस साइड अगर डोर है तो उसमें इस तरफ आपको स्पेस मिल रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है सूरेक के लिए, तो वो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट फ्लैट के रिलेटेड। अभी देखिए 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK तीन टाइप की प्रॉपर्टी है, बट फिलहाल जो इन्होंने डेवलपर ने बनाया है 3 BHK का ही फ्लैट सैंपल के लिए बनाया हुआ है। एक्चुअल जब आएगा तो उसमें फिर ये बनाएंगे और बता करेंगे। फिलहाल तो हमने बताया, आपको क्या समझ में आया है, नहीं आया है, अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट से ज़रूर करें। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं, और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है, और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे, तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूं कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें, और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों आइए इसका डिटेल जानते हैं, क्या साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज वगैरह क्या दे रहे हैं ये। वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लाजा, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन रियल एस्टेट। बेस्ड इन मुंबई, वी कोलैबोरेट विद द सिटीज टॉप डेवलपर्स टू ब्रिंग यू प्रीमियर प्रॉपर्टीज दैट फिट योर लाइफस्टाइल एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स। वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ लग्जरियस अपार्टमेंट, कमर्शियल स्पेस और रीसेल फ्लैट्स, वी बिलीव इन क्रिएटिंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स थ्रू ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। विद अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 100 प्रोफेशनल्स एंड ओवर 4,000 सैटिस्फाइड कस्टमर्स, वी प्रोवाइड एक्सपर्ट गाइडेंस and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banmar. अभी जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाया ना, लिंक वे रेसिडेंस, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और अडानी रियल्टी इसके डेवलपर हैं। अडानी रियल्टी अपने आप में ही बहुत बड़े ब्रांड है दोस्तों, इनके लिए ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी ये कई प्रोजेक्ट पे अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रेक्टर हैं जो ऑलरेडी पद्म भूषण अवार्ड इनको मिल चुका है, इनके बिजनेस को लेके एक अच्छा इनका रेपुटेशन है, पूरे वर्ल्ड वाइड कई कंट्री में अभी ये काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टर नेम में KEC इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, शेयर मार्केट के NSE BSE लिस्टेड कंपनी है, ये भी एक बहुत बड़े ब्रांड हैं, और फाइनेंस किया है प्रोजेक्ट को टाटा कैपिटल ने। आप देखें तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, KEC इंटरनेशनल एंड टाटा कैपिटल, ये तीनों कंपनी भी बहुत बड़ी ब्रांड है जो इसका सारा प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और फाइनेंस कर रहे हैं, और ये प्रॉपर लिंक रोड पे बना रहे हैं। ये लिंक रोड से ही इसकी डायरेक्टली एंट्री है, कसम नगर रोड, सुरेश नगर, अंधेरी वेस्ट में ये बना रहे हैं। तो इसका शोरूम है उसके बगल में, और कंस्ट्रक्शन में जो इनका एज है करीबन 10 से 15 साल से ये कंस्ट्रक्शन में है, बाकी तो इनके और कई बिजनेस है, करीबन 40 से 50 सालों से ये कई बिजनेस में है, डायमंड में है, ट्रांसपोर्ट में है। इनके लिए ज़्यादा कुछ अभी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं भली भांति। अब इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में इनका कैसा क्या है परफॉर्मेंस वो समझते हैं। इन्होंने अडानी वेस्टर्न हाइट, अंधेरी वेस्ट, इंस्पायर हब, एटेलियर ग्रीन्स, द व्यूज, मोंटे साहूत, ऐसे इन्होंने कई प्रीमियम प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के डिलीवर कर चुके हैं। अब इसकी बात करूं मैं, लिंक वे रेसिडेंसेस बाय अडानी रियल्टी का 2.75 एकड़ इसका लैंड एरिया है, यानी कि 3.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, और 70% इसमें कंस्ट्रक्शन है और 30% इसका ओपन एरिया है, और 24-24 माले का टावर बना रहे हैं ये। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। अभी जो टावर लॉन्च हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सीलिंग की हाइट इसमें 10 फुट की है। जी प्लस
प्लस वन नीचे इसका कमर्शियल है, यानी कि शॉपिंग दिया हुआ है। रेसिडेंशियल इसका दूसरे माले से बना रहे हैं, और एमिनिटीज जो इसका दिया हुआ है 8th फ्लोर और रूफटॉप पे इसकी एमिनिटीज है। पार्किंग कुछ 5 माले का 5 लेवल का पोडियम है और 4 लेवल इसका बेसमेंट है। कंस्ट्रक्शन 3rd स्लैब इसका अभी हो चुका है। 20% करंट अभी ड्यू है। 20% पेमेंट आपको देना है। प्रॉपर्टी बुक करना हो तो चाहे आप लोन करके दें चाहे सेल्फ फंड दें, 20% पेमेंट इनको पेमेंट करना है। रेरा का नंबर इसका है P518-000-47539। इस महारेरा के नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके लिंक वे रेसिडेंस के नाम से अडानी बाय अडानी रियल्टी सारा डिटेल आप इस प्रोजेक्ट रिलेटेड देख सकते हैं। दोस्तों रेरा में पोजीशन October 2028 है, पर डेवलपर आपको September 2027 को ही दे देंगे, 1 साल बिफोर दे देंगे। और अडानी रियल्टी का कमिटमेंट है तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी बात है बिफोर टाइम देना। वैसे तो रेरा के एस्क्रो अकाउंट में पैसा होने के वजह से सारे बिल्डर 1 साल 2 साल बिफोर ही पोजीशन दे रहे हैं। ये इसका रेरा का बारकोड है। इस बारकोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके आप इजी वे में सारा डिटेल देख सकते हैं अपने मोबाइल या फिर आईपैड से। अब इसमें कुछ व्यू की बात करें, इसमें ईस्ट साइड आपको चित्रकूट ग्राउंड दिखता है जो पूरा ओपन व्यू है, गिल्बर्ट हिल व्यू आता है। वेस्ट साइड आपको सी व्यू मिलता है, नॉर्थ साइड आपको इन्फिनिटी मॉल व्यू एंड मेट्रो स्टेशन यानी कि लिंक रोड का पूरा व्यू मिलेगा। साउथ साइड आपको सिटी व्यू और सी व्यू मिलेगा। इसमें चारों पांचों साइड की मैं बता रहा हूँ। लिंक रोड के ऊपर मेट्रो जो बना हुआ है, कुछ मेट्रो व्यूस आता है, अलग अलग दिशा में चारों साइड का व्यू आएगा। एक बार जब आप साइड पे आएंगे तो वहां पे क्या व्यूज में कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, क्या भाव में है, कौन से फ्लोर पे है, वो सब डिसाइड होगा। उसके लिए आप हमें फोन करें, हमारे सेल्स पर्सन आपको हेल्प करेंगे। कॉस्मो लोकैलिटी के लोग हैं, सब एक ग्रेड के वेल एजुकेटेड एक ग्रेड के लोग हैं। अंधेरी वेस्ट का प्रीमियम एरिया है ये, जहाँ पे ये बना रहे हैं। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, सारे बैंकों से लोन हो जाएगा। एमिनिटीज इसमें सारा एमिनिटीज आपको, सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको दे रहे हैं। ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी सार, तो इसमें आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है अलग अलग फ्लोर पे, जिम्नासियम, क्लब हाउस, स्क्वाश कोर्ट, एम्पी थिएटर, मिनी थिएटर, लेजर पूल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, डे केयर सेंटर, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, स्टीम रूम, ये सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक मिडिल सेंटर पे सर्वेंट के लिए वॉशरूम दिया हुआ है और G+1 ट्रिपल हाइटेड इसका हाई स्ट्रीट ऑल ब्रांडेड रिटेल शॉप रहेगा। साथ ही साथ 30 फुट का 1,00,000 स्क्वायर फुट का तो इनका एंट्रेंस लॉबी है, यानी कि जो वो फ्लोर है ना, ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ऊपर जितने भी फ्लोर हैं नीचे से एंट्रेंस लॉबी कनेक्टेड रहेगा। आपकी गाड़ी इजिली ले जाके मूव कर सकते हैं, एंट्रेंस लॉबी तक जाएगी गाड़ी आपकी। तो बहुत ही खूबसूरत लॉबी बना रहे हैं, नीचे फुली डिजाइंड रहेगा ये प्रॉपर्टी। जब आप खरीदने जाते हैं, खरीदने का जब आपका विचार बनता है, तो पहला एक्शन मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देख के एक बार कॉल करते हैं ना, तो हमारा एक ही सेल्स पर्सन आपका पूरा काम करवाते हैं। A to Z प्रॉपर्टी सर्वे करवाना हो, परचेस करवाना हो, दिखाना हो, जो भी सब कुछ करवाना हो सब करवा के आपको घर तक पहुंचा के देते हैं। इवन हमने ऐसे एक्सपर्ट्स सेल्स पर्सन है हमारे कि जब तक उनका घर का पोजीशन नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं, और ज्यादा लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं। एक बार अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, एक बार आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे आप डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, आपके जो डेटा है खुद काम नहीं करते हैं, खुद की उनकी टीम जो है वो ना के बराबर है। आपके डेटा को वो ब्रोकर्स के साथ बेचते हैं, शेयर करते हैं, जिससे एक साथ में हजारों ब्रोकर्स, 100-200 ब्रोकर्स के साथ वो डेटा आपका बिक जाता है, और फिर हजारों ब्रोकर्स के आपके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों कस्टमर अभी तक फोन कर चुके हैं कि विकास जी हमने उस पोर्टल पे डाल दिया था, वहां से पता नहीं कितने सारे लोगों का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से फोन आ रहा है, क्या करें। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जाने में एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा एक आदमी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके A to Z पूरा काम करवा के देंगे। और अब आते हैं इसकी कनेक्टिविटी पे। 2 से 10 मिनट के अंदर आप अंधेरी रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेन रोड तो टच है ही है, डीएन नगर मेट्रो स्टेशन, PVR सिटी मॉल, इन्फिनिटी मॉल, यशराज स्टूडियो, JBCN स्कूल, फन रिपब्लिक मॉल, ये सब आप रीच कर जाते हैं 10 से 30 मिनट के अंदर। द क्लब मुंबई, बरसोवा बीच, कोकिला बहन हॉस्पिटल, ये सब आप 10-15 मिनट के अंदर आसपास में ही ट्रैवलिंग रीच कर जाते हैं। भवंस कॉलेज, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। 30 to 40 मिनट के अंदर संजय
गांधी नेशनल पार्क, एसएल वर्ल्ड, ग्लोबल विपासना पैगोडा भी आप रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन और प्राइसिंग, यानी कि किस टाइप के फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइसिंग है। ये बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों कि हम लोग हमेशा, आप देखेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू जितने कस्टमर्स आते हैं ना, उनका हम लोग हमेशा मार्केट प्राइस से 2-5 लाख-10 लाख रुपए कम में फ्लैट दिलवाते हैं। उसका वजह क्या है कि हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक बार में कई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हम लोग उनके क्लस्टर हेड से मिलके बोलते हैं कि भाई हम आपके जो भी 2-5-10 प्रोजेक्ट बन रहा है सब में ही हर साल 100-200 फ्लैट बेचेंगे। हर साल हम आपके साथ 200-500-300 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और उसका स्पेशल बेनिफिट हमें चाहिए हमारे कस्टमर्स के लिए जो हमारे चैनल के थ्रू आते हैं। अब क्या है ना, आप जाएंगे तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे तो 1 या 2 करोड़-3 करोड़ रुपए देते हैं। हम लोग उनको 200-300-400 करोड़ रुपए देते हैं और उसके बिहाफ में हम उससे जो नेगोशिएशन करते हैं 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट नेगोशिएशन करते हैं और वो पूरे फ्लैट के प्राइस में 4-5 लाख-10 लाख रुपए कम हो जाते हैं और वो डायरेक्ट प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने में काफी सारे कस्टमर को हमने बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी दिया है। मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों हमारा। आप जो होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं ना, वो होर्डिंग बोर्डिंग में जो प्राइस लिखी रहती है आपको बॉटम प्राइस बताया नहीं जाता। आप जाते हैं डील करने के लिए, गलत प्राइस ऑफर कर जाते हैं थोड़े बहुत अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, बट आपको बॉटम प्राइस मालूम ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का क्या है। मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूं कि दो लोगों को 10-10 लाख-20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हुए। दोस्तों क्या है ना, ये प्रॉपर्टी का मामला है, यहाँ पे 200-500 का खेल नहीं होता। यहाँ सीधा थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं हो ना तो आपका 5-5 लाख-10-10 लाख रुपए यूं ही एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आपको अगर नहीं जानकारी है तो आपके किसी आदमी को लेके जाएं, वरना अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें। हम लोग जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोर बेस पूरी प्राइसिंग हमें पता होता है। काफी सारे कस्टमर को मैंने देखा है कि ये सब समझने के बाद ना, मैं प्राइसिंग की बात तो कर दिया लेकिन काफी सारे कस्टमर डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास। वो ना जाएं आप, क्योंकि डेवलपर के पास जब जाते हैं तो डेवलपर का कहना रहता है कि ये हमारे पास टैग है, आप इसमें कुछ भी ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट, चॉइस फ्लैट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। और फर्स्ट टाइम जब आप डेवलपर के साइट पे जा रहे हैं, सेल्स ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारी टीम के साथ जाएं, हमारे सेल्स टीम के साथ जाएं, तो ही हम आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, प्राइसिंग में नेगोशिएट करवा पाएंगे, सारा काम हमारी टीम आपके लिए कर पाएगी दोस्तों। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन, प्रीमियम प्रॉपर्टी बना रहे हैं 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK। 2 BHK में एक कार पार्किंग के साथ ये सेल कर रहे हैं। 2 BHK का जो कारपेट एरिया है 824 और 868 स्क्वायर फुट का है। 824 यानी कि 824 और 868 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का साइज है। अब आप समझ सकते हैं, जनरली दूसरे बिल्डर जो होते हैं ना, वो 800-850 के एरिया में 3 BHK बना देते हैं। ये 824 और 868 के स्क्वायर फुट के साइज में ये आपको 2 BHK बना के दे रहे हैं। इसकी प्राइसिंग 2 करोड़-80 लाख से लेकर 3 करोड़-30 लाख के बीच में है, यानी कि 2.80 CR to 3.30 CR। 2 BHK का फ्लैट के साथ आपको एक कार पार्किंग मिलेगा। 3 BHK में 2 कार पार्किंग आपको दिया जाएगा। कारपेट एरिया 3 BHK का 1153 और 1522 स्क्वायर फुट है, यानी कि 1153 1522। दो साइज में 3 BHK है जिसके फ्लैट कॉस्ट 3 करोड़-40 लाख से लेकर 5 करोड़-50 लाख के बीच में है, यानी कि 3.40 CR to 5.50 CR। अब 4 BHK में आते हैं। 4 BHK में भी आपको 2 कार पार्किंग दिया जा रहा है और इसमें 3 कारपेट एरिया है, 1460, 1775 और 1887, यानी 1460, 1775, 1887। 3 साइज का 4 BHK बना रहे हैं और इसमें फ्लैट कॉस्ट 5.50 CR to 6.50 CR, यानी कि 5 करोड़-50 लाख से लेके 6 करोड़-50 लाख के बीच में है। इसके बाद भी अगर आप पार्किंग का एक्स्ट्रा डिमांड है अवेलेबल होगा तो 15 लाख का पार्किंग आपको आएगा। अच्छा, ये जो मैं प्राइसिंग दिया हूँ ना, इसके ऊपर फिर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह आपको अलग से आएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100-250 फ्लैट बेचते हैं और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़-3 करोड़-5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े
इन्वेस्टर्स हैं जो एक एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूँ कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं, भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं, उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता, एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा, उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो, साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ रहे तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको एक या दो प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा, वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20-30-50-100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है, तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं, कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। अभी जो मैंने आपको अडानी रियल्टी का प्रोजेक्ट दिखाया है लिंक बे रेसिडेंस जो लिंक रोड पे बन रहा है, इसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च पे है, लॉन्चिंग स्टेज पे है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, मैं हमेशा मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आप जिस तरह ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये प्रॉपर्टी हर दिन हमारा ये वीडियो देखते हैं अलग अलग कंट्री में। किसी को अर्जेंट सेल भी करना होता है तो मैंने काफी सारा अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी सेल किया है, साथ ही साथ कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे आता है, तो वैसे प्रॉपर्टी भी हम लोग सेल करते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे पुट करते हैं। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसे प्रॉपर्टी डालूंगा अर्जेंट सेल या फायदे वाली प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों ऐसे मैंने हजारों लोगों को इस मामले में मैंने हेल्प किया है, मदद किया है। जिनको अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है उनको पैसा मिल जाता है, जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी की जरूरत होती है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है और दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और ये राउंड बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड दो प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, घर बैठे आप एक्सप्लोर कर लें। हर दिन का एक वीडियो हम पुट कर रहे हैं अपने चैनल पे, आप घर बैठे सारे वीडियोस देखें, समझें, उसके बाद जो आपको खरीदने में समझ में आता है उसके बाद आप हमें फ़ोन करें। आगे का अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स भी करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।